अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना योम तासीस तकरीब नहायत ही सादगी के साथ मुनाकिद की गई। वज़ीरे आला KCR ने प्रगति भवन में कौमी परचम लहराया। कोरोना से रूबे सेहत 32 तबलीगी जमात अराकीन अपने प्लाज्मा का अतिया कोरोना मरीजों के लिए देंगे। सदर मजलिस रुकने पार्लियामान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मसाई, मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब। रियासत में जारी प्रोजेक्ट्स के करीब एहतजाजी धरना मुनज़िम करने की धमकी के बाद कांग्रेस कायदीन घरों पर जेर हिरासत, तेलंगाना पुलिस ने की कार्रवाई। चेयरमैन तेलंगाना उर्दू एकेडमी ने वेबसाइट का किया आगाज। सेक्रेटरी डायरेक्टर की खसूसी दिलचस्पी से एकेडमी की वेबसाइट डिजाइन की गई। वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की योम तासीस के मौके पर प्रगति भवन में कौमी परचम लहराने के बाद रियासत की आवाम को योम तासीस की मुबारकबाद पेश की। बाद अज़ां वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने गन पार्क पहुँच कर तेलंगाना की तश्कील की जिद्दोजहद में हिस्सा लेते हुए अपनी जानों की कुर्बानियाँ देने वाले शहीदों को भी खराज पेश किया। इस मौके पर रियासती वज़रात चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार, DGP महेंद्र रेड्डी और दीगर ने भी गन पार्क के पास शहीदों को खिराज पेश किया। तबलीगी जमात के कारकुनान जो कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद रूबे सेहत हुए हैं, उन्होंने दीगर मरीजों के इलाज के लिए अपना प्लाज्मा का अतिया देने की ख्वाहिश का इजहार किया है। जुमला 38 तबलीगी जमात के अराकीन, जिनमें 25 का ताल्लुक तेलंगाना से है, उन्होंने अपने प्लाज्मा का अतिया देने की ख्वाहिश जाहिर की है और वह अपने प्लाज्मे का अतिया देंगे। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कबल अज़ीं तेलंगाना हुकूमत को 32 तबलीगी जमात के अराकीन के नाम हुकूमत के हवाले किए थे, जो अपने खून का प्लाज्मा अतिया देना चाहते हैं। इस मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात भी की। उन्होंने बताया कि मीडिया और फिरका परस्त ताकतों का टोला जमात को बदनाम करने के दर पर था, जबकि इसी जमात के कारकुनान अपने प्लाज्मा का अतिया दे रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर मरकजी हुकूमत के कई फैसलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए तनखीद भी की। इस मौके पर मजलिसी अराकीन असम्बली जाफर हुसैन मेराज और कौसर महीउद्दीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। प्लाज्मा देने का उन्होंने इंतजाम किया है। गांधी के सुपरिटेंडेंट से आप लोगों की गुफ्तगू हुई और उनके बोलने पर आप तमाम हजरात तैयार हुए हैं। 38 हजरात हैं, तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात से ताल्लुक़ रखते हैं और अल्लाह के फजल करम से ये तमाम हजरात ख़ुद कोविड से मुकाबला किए और अल्लाह ने उनको शिफा दी। तो आज ये लोग आगे बढ़कर ये कन्वर्सन प्लाज्मा में जाकर इंशाल्लाह ताला कल से, क्योंकि एक दिन में सिर्फ 6
लोग ये प्लाज्मा दे सकते हैं। और डॉक्टर्स ने बताया कि एक पेशेंट को प्लाज्मा देने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता। तो ये मैं समझता हूँ कि बेहतरीन खिदमत है और अल्लाह सुबहाना व तआला से दुआ है कि अल्लाह इन हजरात की खिदमात को कबूल करे और अल्लाह सुबहाना व तआला हमारे तेलंगाना में, पूरी रियासत में, पूरे मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया में आज जो लोग इस वायरस का शिकार हैं, अल्लाह अपने फजल व करम से इस वायरस का खात्मा भी करेंगे इंशाल्लाह, और जो शिफा है अल्लाह उनको अपने फजल व करम से अल्लाह उनको शिफा भी देगा। और ये बेहतरीन काम तबलीगी जमात के ज़िम्मेदारों की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि आप देखते हैं कि जब से ये COVID-19 से लड़ाई शुरू हुई, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बजाय वायरस से मुकाबला करने के लिए मुल्क में ख़ास तौर से मरकज़ी हुकूमत की जानिब से और संघ परिवार के चाहने वालों की जानिब से, उनकी तमाम तंजीमों की जानिब से ये एक झूठा प्रोपेगंडा शुरू कर दिया गया कि तबलीगी जमात की वजह से ये सब चीज़ें फैली हैं, बिल्कुल गलत है। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि 30 जनवरी को हमारे मुल्क में पहला पेशेंट आया कोविड वायरस का, 3 लोग थे केरला के, उनका क्या मज़हब था, फिर इटली से आए हुए टूरिस्ट थे, और उसके बाद बाज़ाब्ता आप देखते हैं कि बदबख्ती की, अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में ये वायरस फैलता जा रहा है। और आज करीब 1,85,000 के ऊपर से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं, 3,000 से ज़्यादा भारत के रहने वालों की अमवात हुई हैं, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम को मिलकर इस वायरस से मुकाबला करना है, और मैं आपके ज़रिए से उन तमाम लोगों से भी अपील कर रहा हूँ जो कोविड के वायरस के पेशेंट थे और उनको परवरदिगार ने, अल्लाह ने उनको शिफा दी, उनको भी आगे बढ़कर इस कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा में उनको हिस्सा लेना चाहिए, ताकि जो आज पूरे मुल्क में ये वायरस की वजह से लोग परेशान हैं, उनको सेहत मिल सके, उनको शिफा मिल सके। क्योंकि याद रखिए कि आप ये काम करके ना सिर्फ किसी की जान बचा रहे हैं, बल्कि आप एक बच्चे को यतीम होने से बचा रहे हैं। रियासत तेलंगाना की योम तासीस तकरीब पर भी कोरोना वायरस और लॉकडाउन का असर दिखाई दिया। योम तासीस तकरीब का निखार तमाम सियासी जमातों में नहायती सादगी के साथ मनाते हुए कौमी परचम लहराया गया। स्पीकर असम्बली पी श्रीनिवास रेड्डी ने असम्बली की इमारत पर, सदरनशीन कौंसल जी सुखेंद्र रेड्डी ने कौंसल की इमारत पर और उत्तम कुमार रेड्डी ने गांधी भवन में, जबकि के केशवराव ने TRS भवन में और सदर रियासती BJP बी संजय ने पार्टी ऑफिस में कौमी परचम लहराया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, अराकी ने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, कोमट वेंकट रेड्डी और दीगर कायदीन को पुलिस ने घर पर नज़रबंद कर दिया। मस्कुरा कायदीन अपने अपने मुकामात पर आपाशी प्रोजेक्ट के तामीरी कामों को लेकर एक रोज़ा दीक्षा का एहतजाज करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इसे नाकाम बना दिया, जिसकी कांग्रेस कायदीन ने सख्त मजम्मत की है। मंजिल लाले, मंजिल लाले, मंजिल लाले, मंजिल लाले,
तेलंगाना की योम तासीस 2 जून के मौके पर कांग्रेस पार्टी ने रियासत के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के करीब एहतजाजी धरने मुनज़िम करने का ऐलान किया था, जिसके बाद एहतियाती तौर पर पुलिस ने कांग्रेस कायदीन को उनके घरों पर नज़रबंद कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कांग्रेस कायदीन रेवंत रेड्डी, कोमट रेड्डी और पुनाला लक्ष्मैया को पुलिस ने उनके घरों पर हिरासत में लेते हुए कहीं बाहर जाने से रोक रखा। मस्कुरा कायदीन की रहायश गाहों पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया। खम्मम नलगोंडा महबूबनगर रंगारेड्डी जिला ఎడారిగ మార్తది राष्ट्र अवतरण दिनोत्सव सदर्भंग सजमंत अर्थम चुस्वा अवसर उल जल दोपड़े का श्रीशैलम వెనకాల పోతిరెడ్డిపాడు द्वारा पुखे नीलू दीकते संगमेश्वर दिल्ली लिफ्ट बैठकते श्रीशैलम पवर् प्राजेक्ट चचिपत नागार्जुन सागर पवर् प्राजेक्ट चचिपत पुलचिंत पवर् प्राजेक्ट चचिपत यह मूड पवर् प्राजेक्ट कल की 2605 मेगावाट दींट 54% तेलंगाण वाट 1400 चिल्लर मेगावाट तेलंगाणा को 10 पैसल को यूनिट विद्युत वे प्राजेक्ट सचिपताई इला जल दोपड़ी का विद्युत प्राजेक्ट संपे तूका जुमराज बजार अम्मा की केसीआर सिद्धमो इलाक आंध्र प्रदेश के 512 टीएमसी तेलंगाणा को 299 टीएमसी केटाइचे ये नील एक्वा अंदर राशि पुलचिंत कृष्णा डेलटा को प्रकाशा की ईस्ट गोदावरी वरक 50 लक्षर कील वाले 512 टीएमसी जगन कड़कोवा इकड नीचे इकड रायल इकड्चे 39-40 टीएमसी पोतिरेड्डिपाड़े तेलुगु गंगा रायल की इवाना 500 टीएमसी కింద ఎప్పుడైతే తీసుకెళ్తారో మనం 3 పవర్ ప్రాజెక్టుల విద్యుత్ ఉత్పత్తి జరగడం ద్వారా తెలంగాణకు ఆర్థిక భారం పడకుండా 10 పైసలకు యూనిట్ లాక 1400 మెగావాట్ల విద్యుత్ మనకు వస్తది। ఇయాల శ్రీశైలం వెనకాల నుంచి తరలించకపోతే శ్రీశైలం నాగార్జున సాగర్ పులిచింతల విద్యుత్ ప్రాజెక్టు సచిపోతాయి, తుప్పు వట్టిపోతాయి, తర్వాత తూకాంటి జుమరాజ్ బజార్ లో అమ్ముకో అమ్మాల్సిన పరిస్థితి వస్తది। इधर केसीआर को प्रयोजनमे राजगोपाल लाइको नीचे जीवीके मीनाक्षी मई होम विद्युत पवर् प्राजेक्ट चेयरमैन तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी ने अपने दफ्तर में एकेडमी की वेबसाइट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर डायरेक्टर सेक्रेटरी उर्दू एकेडमी डॉक्टर मोहम्मद गौस के अलावा सुप्रीडेंट कृष्णा और दीगर स्टाफ अराकीन भी मौजूद थे। वज़रे के डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी डॉक्टर मोहम्मद गौस की खसूसी दिलचस्पी की वजह से वेबसाइट डिज़ाइन की गई है और चेयरमैन के हाथों इसका आगाज़ किया गया है थे। वज़रे के डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी डॉक्टर मोहम्मद गौस की खसूसी दिलचस्पी की वजह से वेबसाइट डिज़ाइन की गई है और चेयरमैन के हाथों इसका आगाज़ किया गया है। समंदरी तूफान निसारगा का असर रियासत तेलंगाना पर भी पड़ सकता है और महकमे मौसमियात तेलंगाना की अहदेदार नागारत्ना ने जनूबी तेलंगाना में बारिश की पेशकयासी भी की है। मीडिया से बात करते हुए नागारत्ना ने बताया कि छत्तीसगढ़ से लक्षद्वीप तक जो हवाएं चल रही हैं और मौसम बदल रहा है, इसके बायस आने वाले 2 या 3 दिन के दौरान हल्की या तेज़ बारिश का इम्कान है और बारिश के दौरान 30 ता 32 घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है, जबकि गरज व चमक भी हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि चारशंबे को हैदराबाद, रंगारेड्डी, मलकाजगिरी और मेडचल में शदीद बारिश भी हो सकती है। The track running from Chhattisgarh to Lakshadweep has become less marked and the present forecast situations over Telangana region show that that during next 2 to 3 days there is fair chance of light to moderate rains over many places over Telangana state with light to thunderstorm activity with lightning and gusty winds of 30 to 40 km/h in next 2 days and heavy rainfall is very likely to occur tomorrow in 1 or 2 places over Telangana states, especially in the South Telangana region, Hyderabad, Rangareddy, Medchal, Malkajgiri,
मेदक, विकाराबाद, महबूब नगर एंड इट्स एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स। मुल्क भर में जहां लॉकडाउन में मुसलसल नरमी हो रही है, वहीं दूसरी जानिब कोरोना के नए केसेस और अमवात में इजाफा हो रहा है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस वबा के 8,000 से ज़्यादा केसेस दर्ज किए जाने के बाद मुतासरीन की मजमूनी तादाद 1,99,000 के करीब पहुँच गई और इस दौरान वायरस से मरने वालों की तादाद 5,598 हो गई। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत की जानिब से आज जारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 8,171 नए केसेस सामने आए हैं, जिससे मुतासरीन की तादाद बढ़कर 1,98,706 हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हिंदुस्तान लॉकडाउन को छोड़कर अनलॉक फेज वन में दाखिल हो चुका है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के सालाना सेशन से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अनलॉक फेज वन में मईशत का बहुत बड़ा हिस्सा खुल चुका है और एक और बड़ा हिस्सा 8 जून के बाद खुलेगा। दोबारा से तरक्की की राह पर हम गामजन होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यह सब इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि जब कोरोना वायरस दुनिया में अपने पैर फैला रहा था, उस वक्त हिंदुस्तान ने सही वक्त पर सही तरीके से सही कदम उठाया है। दुनिया के दीगर ममालिक से हिंदुस्तान का तकाबुल करें तो पता चलेगा कि हिंदुस्तान में लॉकडाउन में कैसा मुस्बत असर रहा है। मरकजी वजीर आईटी रविशंकर प्रसाद ने दावा किया है कि हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो 2014 में 1.9 लाख करोड़ थी, साल 2018-19 के आते आते 4.58 लाख तक पहुंच चुकी है। आलमी सतह पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में हिस्सेदारी 0.3% से बढ़कर 2018 में 3% तक बढ़ गई है। महकमे मौसमियात ने बताया कि समुद्री तूफान सारगा चारशुंबे को महाराष्ट्र और गुजरात के साहिल से गुजर सकता है। बहरे अरब में हवा के दबाव का इलाका बना हुआ है। गुज़िश्ता 6 घंटों के दौरान 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में NDRF की टीमों को तैनात किया गया है। समुद्री तूफान की वजह से महाराष्ट्र के अलावा मुंबई, थाने, पालघर, कोंकण मुतासर हो सकते हैं, जबकि गुजरात में भी इसका असर देखा जाएगा। मालूम हुआ है कि समुद्री तूफान मुंबई से 490 किलोमीटर दूर है, जबकि गुजरात से 710 किलोमीटर फासला बताया गया है। केरला में मानसून की आमद के साथ ही बारिश का सिलसिला चल पड़ा है। दारुलहुकूमत तिरुवनंतपुरम के अलावा दूसरे इलाकों में बारिश हुई है और कई इलाके तालाब और झील में तब्दील हो चुके हैं। दिल्ली हुकूमत ने रियासत में हॉस्पिटल्स के बारे में मालूमात के लिए ऐप को लॉन्च किया है। वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आवाम इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के डाउनलोड होने के बाद आवाम को दिल्ली के हर हॉस्पिटल की मालूमात हासिल होंगी। केजरीवाल ने बताया कि आवाम दिल्ली के हॉस्पिटल के बारे में इस ऐप के जरिए मालूमात हासिल कर सकते हैं, जिससे उन्हें पता चलेगा कि कौन से हॉस्पिटल में बिस्तर खाली है और कहां पर क्या क्या सहूलतें दी जा रही हैं। गुजरात के वज़ीर-ए-आला विजय रूपाणी ने समुद्री तूफान निसर्गा की आमद के पेश नज़र अहदेदारों के साथ जायजा लिया है। इस मौके पर अहदेदारों को समुद्री तूफान से निमटने के लिए मौसर इकदाम करने पर भी जोर दिया गया है। मुंबई में भी NDRF की टीमों को तूफान की आमद के पेश नज़र अलर्ट देखा गया। साहली इलाकों पर NDRF की टीमें तैनात कर दी गई हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना यौम तासीस तकरीब नहायत ही सादगी के साथ मुनक़िद की गई। वज़ीर-ए-आला KCR ने प्रगति भवन में कौमी परचम लहराया। कोरोना से रूबे सेहत 32 तबलीगी जमात अराकीन अपने प्लाज्मा का अतिया कोरोना मरीजों के लिए देंगे। सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मसाई मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब। रियासत में जारी प्रोजेक्ट्स के करीब एहतजाजी धरना मुनज़िम करने की धमकी के बाद कांग्रेस कायदीन घरों पर जेर हिरासत, तेलंगाना पुलिस ने की कार्रवाई। चेयरमैन तेलंगाना उर्दू एकेडमी ने वेबसाइट का किया आगाज। सेक्रेटरी डायरेक्टर की खसूसी दिलचस्पी से एकेडमी की वेबसाइट डिजाइन की गई।
नाज़रीन रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।